चलो हाँ जी चलो प्यारे खालसा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज समुचा खालसा पंथ अते गुरु नानक नाम लेवा संगत बंदी छोड़ दिवस मना रही हैं। हर साल की तरह इतिहासक दिहाड़े अते त्यौहार समय अनुसार आते रहते हैं, परंतु इन्हां विचला सुनेहा हर साल गवाचता जा रहा है। अज दे दिन नूं बंदी छोड़ दिवस वजों देखिए तो गुरु हरगोबिंद साहब जी 52 हिंदू राजियां दी हकूमत दे बंदीखाने तो रिहाई करवा के दरबार साहब पहुँचे सन, परंतु अज हकूमतां बंदी छड़ाउण वाले सतगुरु दी कौम अते सिख सेवकां नूं बंदी बना के फिर ग्वालियर दे किले दी तरह दूर दराडे जेलां विच बंद कर रही हैं। हिंदू राजियां दी तरह अज सिख सजावां पूरियां करन उपरंत रिहाइयां नहीं लै सके, इस करके किते ना किते दादा बंदी छोड़ दी कौम दी अगवाई करन वाले बेशक वो अकाल तख्त जां दूजे तख्तां दे जथेदार साहब ही क्यों ना होण, जां फिर सिख सियासत दे रहनुमा अखवाउण वाले आगू जां 22 मंजियां डाह के धर्म दे नाम ते दुकानां चला रहे धार्मिक लोग भी क्यों ना होण, सब गुरु तो बेमुख हो गए जापदे हन। जेड़े अपनी कौम जां मजलूमा उत्ते जबर हुंदा देख के मूक दर्शक बने हुए हैं, जे दिवाली पक्षों अज दे दिन नूं समझ गए तां इह रोशनी दा दिन है। बेशक सदियां तो दीवे बाल के असी एक दिन फर्जी रोशनी तां जरूर करदे हाँ, परंतु ज्ञान दी रोशनी तो दिन ब दिन दूर हुंदे जा रहे हाँ, जिस करके साडे अंदर ईरखा हंकार द्वैत भावना अते मौका प्रस्ती वध रही है। इस नाल जिंदगी दे विच्चों संस्कार किरदार मनफी हुंदे जा रहे हन। इसलिए जिथे असी दिवाली दे दीवे बाल रहे हाँ उत्थे सानू अपने हिरदे विच ज्ञान भय अते प्रेम दे दीवे बाल के मानवता रूपी रोशनी वंडनी चाहिए है, जिस नाल जातां पातां ऊंच नीच वैर विरोध अते फिरकू पुरे दा हनेरा दूर होवे। अज दादा बंदी छोड़ दी कौम धड़ियां विच वंडी होण करके खुवारियां भोग रही है। दास सतगुरु दी अपार बख्शिश अते सिख संगतां वल्लों अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार दी सेवा दे फर्जां नूं निभाउंदिआं समूह खालसा पंथ अते इंसाफ पसंद लोकां नूं अपील करदा है कि आओ अज सारे प्रण करिए अते धड़े बंदियां त्याग के समुची कौम खालसाई निशान साहिब थले एकत्र होइए। अज एकता दी वड्डी लोड़ है, जिस नाल असी धार्मिक राजनीतिक अते समाजिक तौर ते आईयां गिरावटां विचों निकल सकते हाँ। दास दा मुख उद्देश पंथ नूं इकट्ठा करके जेलां विच बंद समुचे नौजवानां बंदी सिंघां दी रिहाई करवाउणा, गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी दा इंसाफ लैणा
ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋਗੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।